jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। रेत के धुरों को चीरते अर्जुन भीष्म टैंक, गरजती तोपें, पैराशूट से उतरते कमांडो और साउंड से भी तेज रफ्तार से उड़कर दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने नेस्तनाबूद। सनाटे को चीरता जयघोष और 2 महीनों के लगातार प्रैक्टिस के बाद हमेशा बिजी रहने का संकल्प लिए सैनिकों का जोश दुश्मन को देख दुगुना हो रहा था। यह नजारा था पाकिस्तान से सटी सीमा पर रेगिस्तान में दक्षिणी कमान के चल रहे हमेशा विजी युद्धाभ्यास का। युद्धाभ्यास को देखने के लिए थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत धोरों में दौड़ते टैंक और एयरक्राफ्ट से उतरते सैनिकों को देख यह कहने को मजबूर हो गए कि थल सेना और वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास हमेशा विजी का शुक्रवार को समापन हुआ। 40,000 से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और लेफ्टिनेंट जनरल DR सोनी सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शूरवीरों ने अपना पराक्रम दिखाया। इस युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एविएशन, स्पेशल फोर्सेज और वायुसेना का भी पूरे तालमेल के साथ प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के तहत सैटेलाइट तथा UAV से दुश्मन के ठिकानों की तुरंत ही रियल टाइम फोटो मिलते ही उस पर सटीक निशाने साधकर नेस्तनाबूद किया। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार 12,000 फीट की ऊंचाई से जिप्सी को पैराशूट के माध्यम से उतारा गया। 32 से एयरक्राफ्ट से 1 जिप्सी व 8 पैराट्रूपर्स ड्रॉप किए गए। हमारे जांबाजों ने दुश्मन के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना व वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास हमेशा विजी के दौरान हमारे जांबाजों ने अपनी ताकत का परिचय दिया। यह पहला मौका था जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 12,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट जिप्सी के साथ कमांडो को ड्रॉप किया गया। देखते ही देखते आसमान से ब्लूलैंड के जामबाज पैराशूट के माध्यम से 1 जिप्सी व 8 पैराट्रूपर्स रेडलैंड पर उतरे। उनको कवर करने के लिए सेना का 90 टैंक व 3 गाड़ियों पर सवार जामबाजों ने इलाके को घेर लिया। कमांडो ने बताया कि दुश्मन के रेडार में आने से पहले सेना दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने का साहस रखती है। करीब 2 माह तक रेगिस्तानी इलाके में भारतीय सेना के 40,000 सैनिकों ने 200 टैंकों व 25 से एयरक्राफ्ट के साथ रणकौशल दिखाया। इस दौरान बारीकी से निगरानी, तेज निगरानी, सेना व वायुसेना के बीच तालमेल, दुश्मन पर हमला करते वक्त 2 टीमों के बीच तालमेल, सूचना लेकर निर्णय लेना आदि पहलुओं पर जोर दिया गया। मुख्य रूप से 90 भीष्म टैंक व अर्जुन मार्क प्रथम ने इस युद्धाभ्यास में कौशल दिखाया। युद्धाभ्यास के दौरान गुरुवार की शाम 160 जवानों की पूरी बटालियन को ड्राफ्ट करने का परीक्षण किया गया। इसमें 23 से एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इसमें 600 जवान सवार थे। बटालियन के सदस्य एक के बाद एक नीचे उतरे और दुश्मन के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसमें C-17, C-130 व हरक्यूला सहित कई विमान शामिल हुए। 40,000 जांबाजों ने पराक्रम से पाक को परास्त कर दिया। युद्धाभ्यास में सबसे अहम अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना था। इसी क्रम में AN-32 से एयरक्राफ्ट से हमारे सैनिक केवल 850 फीट से ड्रॉप हुए ताकि दुश्मन का रडार उन्हें पकड़ न सके। इन पैराट्रूपर्स ने विमान से कूदते ही पैराशूट खोल दिए और 1 मिनट के भीतर जमीन पर लैंड कर गए। दुश्मन कुछ समझ पाए उससे पहले ही इन जांबाजों ने जमीन पर लैंड करके अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया।